हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी हायर एजुकेशन की सीरीज़ चल रही है, तो उसको कंटिन्यू करते हुए आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। अगर आप लोग चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम एसोसिएट लर्निंग है, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर पिलर्स ऑफ एजुकेशन मैंशनड इन डेलर्स कमीशन रिपोर्ट रिफ्लेक्ट द इंडियन वैल्यू ऑफ वासुदेव कुटुंबकम। ऑप्शन ए है लर्निंग टू नो, ऑप्शन बी है लर्निंग टू डू, ऑप्शन सी है लर्निंग टू बी और ऑप्शन डी है लर्निंग टू लिव टुगेदर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लर्निंग टू लिव टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क यानी NSQF द लेवल 8 कॉम्पिटेंसीज इक्विवेलेंट टू। ऑप्शन ए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, ऑप्शन बी अंडर ग्रेजुएट डिग्री, ये ऑप्शन सी डॉक्टरेल डिग्री। जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है वो इक्विवेलेंट है किसके, तो इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन बी अंडर ग्रेजुएट डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिवर्सिटी सेंटर्ड ऑन द विहाराज ड्यूरिंग द एंशियंट इंडिया पीरियड वर सिचुएटेड एट। ऑप्शन ए नवादीप, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी वल्लभी, ऑप्शन डी जगादला, ऑप्शन ई कांची। चूज करना है हमको, फर्स्ट है ए बी सी ओनली, सेकेंड है बी सी डी ओनली, थर्ड है सी डी ई ओनली और फोर्थ है डी ई ए ओनली। तो बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड बी सी डी ओनली, बी यानी नालंदा, सी वल्लभी और डी जगादला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ NEAT आर रिसेंटली लॉन्च्ड स्कीम फॉर MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। NEAT का फुल फॉर्म पूछा है जो कि लॉन्च किया है किसने, MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने। ऑप्शन ए है नेशनल इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, ऑप्शन बी है नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी है नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेस्टिंग और ऑप्शन डी है नेशनल इंग्लिश एप्टीट्यूड टेस्ट। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका फुल फॉर्म लिख दिया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन बी नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है अ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी इज अ नॉन एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी। सेकेंड स्टेटमेंट है द टीचर स्टूडेंट रेशियो इन अ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी मस्ट नॉट बी लेस देन 1:10। देखिए इसमें पहले पूछा गया डीम्ड यूनिवर्सिटी टू बी यूनिवर्सिटी नॉन एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी, ये तो हमारा सही है, बट ये जो हमारा है द टीचर स्टूडेंट रेशियो इन अ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी मस्ट नॉट बी लेस देन 1:10, ये हमारा रॉन्ग है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी वॉज रिटन बाई। ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी जीवाका, ऑप्शन सी कात्यायन, ये ऑप्शन डी पणिनी। अष्टाध्यायी किसने लिखा है, अष्टाध्यायी वॉज रिटन
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पाणिनि। जो हमारा अष्टाध्यायी है वो किसने लिखा है? पाणिनि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन वॉज सेट अप अ स्टेटरी बॉडी बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट? ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन सी 1988 या ऑप्शन डी 1989। ऑल इंडिया काउंसिल इसको बोलते हैं AICTE, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। कभी कभी ये भी आ जाता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये कब सेटअप हुआ था? स्टेटरी बॉडी। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अ सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इज द स्टेट ऑफ? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश या ऑप्शन डी पंजाब। फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बताइए, जल्दी जल्दी आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट यूनिवर्सिटी इज प्रोवाइडेड फॉर द टीचिंग ऑफ अ स्पेशल सब्जेक्ट वज्रायण बुद्धिज्म अलोंग विथ अदर सब्जेक्ट? ऑप्शन ए है मिथिला, ऑप्शन बी है जगादला, ऑप्शन सी है नालंदा या ऑप्शन डी है उदंतपुरी। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी जगादला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेदा विच डील विथ इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन कुड बी ट्रेस्ड टू? ऑप्शन ए ऋग्वेदा, ऑप्शन बी यजुर्वेदा, ऑप्शन सी सामवेदा या ऑप्शन डी अथर्ववेदा। बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अथर्ववेदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द हाईएस्ट बॉडी टू एडवाइज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन एजुकेशन? ऑप्शन ए UGC, ऑप्शन बी केब, ऑप्शन सी NSDA या ऑप्शन डी NIEPA। विच ऑफ द हाईएस्ट बॉडी एडवाइस सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी केब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्रीविएशन HEFA स्टैंड फॉर? ऑप्शन ए हायर एजुकेशन फाइनेंस एकेडमी, ऑप्शन बी हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी, ऑप्शन सी हायर एजुकेशन फ्रेमवर्क एसोसिएशन या ऑप्शन डी हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी। HEFA का फुल फॉर्म बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी HEFA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटी फेमस फॉर स्पेशलाइज्ड स्टडी इन हीनयान वॉज? ऑप्शन ए नादिया यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी नालंदा यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी वल्लभी यूनिवर्सिटी या ऑप्शन डी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वल्लभी यूनिवर्सिटी, स्पेशलाइज्ड हीनयान, हीनयान के लिए क्या थी? फेमस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर गेट्स GATS हायर एजुकेशन पॉलिसीज आर टू बी फॉर्म्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट? ऑप्शन ए एजुकेशन, ऑप्शन बी एक्सटर्नल अफेयर्स, ऑप्शन सी कॉमर्स एंड ट्रेड या ऑप्शन डी अर्बन प्लानिंग। बताइए इसका आंसर जल्दी।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कॉमर्स एंड ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 10th फाइव ईयर प्लान अप्रोच पेपर ऑन हायर एजुकेशन फोकस्ड ऑन, ऑप्शन ए इंटरनेशनलाइजेशन, ऑप्शन बी रूरलाइजेशन, ऑप्शन सी यूनिवर्सलाइजेशन, या ऑप्शन डी आईसीटी ओरिएंटेशन। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जितना हो सके हमारी वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल में हिस्ट्री के कोर्स भी चल रहा है, हिस्ट्री का फुल कोर्स और हायर एजुकेशन का कोर्स चल रहा है, तो अगर आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं।